हेलो, गुड मॉर्निंग श्रद्धा जी, पूजा जी, गुड मॉर्निंग रामवती जी, गुड मॉर्निंग तनुजा जी, गुड मॉर्निंग ज्योति जी, गुड मॉर्निंग शिवानी जी, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग। सहायक संधि में हम जो डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देख लिया था कि किन किन राजाओं ने प्रमुख रूप से सहायक संधि की, ठीक, और इस संधि के तहत अंग्रेजों के साथ अपना संबंध स्थापित किया। अब जरा मूल्यांकन की बात करते हैं और समझते हैं कि ब्रिटिश को इससे क्या लाभ हुआ और भारतीय राजाओं को इससे क्या हानि हुई, और फिर समझ पाएंगे कि सहायक संधि ने किस प्रकार से भारत के परिप्रेक्ष्य में जो रोल निभाया वह क्या था। मामला यह है कि यदि लाभ की बात करें, और ये लाभ जो है ये ब्रिटिश को मिले हुए लाभ हैं इस संधि से, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश को मिले हुए लाभ, ठीक। देखिए, सहायक संधि जो हम कल पढ़ रहे थे उसमें हमने ये जाना था कि सेना की एक टुकड़ी इस सहायक संधि करने वाले राज्य में रहेगी और उस सेना का खर्च राजा देगा, एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा, विदेश से जो संबंध बनेंगे उसमें अंग्रेजों का अपना योगदान रहेगा, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ब्रिटिश नहीं करेंगे। तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोई बात बचती भी नहीं है, क्योंकि पूर्णतः यदि आप देखेंगे तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो ही रहा है इस संधि प्रणाली के तहत। ब्रिटिश को मिलने वाले लाभों की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने जो एक काम किया वह इस संधि ने यह किया कि भारतीय राजा जो थे वह उनकी सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। मामला यह है कि भारतीय राजाओं को जब ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना रखने का अलाउंस दे दिया, तो वास्तविकता में यह हुआ कि जो भारतीय राजाओं की अपनी सैन्य शक्ति थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि वो ब्रिटिशों के ऊपर आश्रित हो गए हैं, उनकी सेना के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो भारतीय सैन्य शक्ति, जो भारतीय राजाओं की अपनी सैन्य शक्ति है, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भारतीय राजाओं की सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी तो कहीं भी किसी भी प्रकार से वे अंग्रेजों के लिए चुनौती नहीं प्रस्तुत कर सकेंगे। एक कार्य तो इस संधि ने यह किया। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कि ब्रिटिश सेना भारतीय राज्यों के धन से निर्मित हो गए। भाई, आपको पता है कि ब्रिटिश राज्य ने जब कोई सेना दी किसी भारतीय राज्य को या भारतीय राजा को, तो उसका खर्च जो है वह संबंधित राज्य को उठाना था। ऐसी दशा में जब खर्च वह संबंधित राज्य उठा रहा है तो लगने वाला धन तो भारतीय राजा का है, और भारतीय राजा ने जो धन लगाया उससे जो ब्रिटिश फौज तैयार हुई, हालांकि इस फौज का उपयोग भारतीय राजाओं के खिलाफ ही किया जाना था। समझ पा रहे हैं बात को? ब्रिटिश सेना भारतीय राज्यों के धन से ही बनी, और इस सेना का उपयोग किया क्यों जाना था? भारतीय राज्यों के खिलाफ। तो भारतीय राज्यों से प्राप्त धन के द्वारा अपनी सेना बना के और भारतीय राज्यों के खिलाफ ही इस सेना का उपयोग किया गया। पल्लवी जी नमस्ते। पूजा जी गुड मॉर्निंग। समझ गए? ठीक भाई, कि स्मार्ट मूव ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी, देखिए आप ये मत समझिएगा कि बहुत कोई हल्के दिमाग के व्यक्ति हैं। हम ही से पैसा लेके, ये तो कुछ वैसी बात हो गई कि हमसे पैसा लिया, ठीक, और मेरी कोई चाय की दुकान थी,
और हमसे ही पैसा लेके हमारे बगल में चाय की दुकान खोली, समझ पा रहे हैं? बिजनेस राइवलरी। ऐसी दशा में ब्रिटिशर्स ने भारतीय राजाओं से धन प्राप्त किया, भारतीय राज्यों से धन प्राप्त किया, उससे अपनी एक सेना बनाई और उस सेना का उपयोग भारतीय राज्यों को ही जीतने में किया गया। तो सेना भी उनकी कोई अपने ब्रिटेन के धन से नहीं बनी हुई थी, वह भारतीय राज्यों, भारतीय राजाओं के धन से बनी हुई थी। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रिटिशर्स का। दे डोंट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी ऑन देयर मिलिट्री सिस्टम इन इंडिया, ठीक, एक भी टका बराबर उन्होंने खर्च नहीं किया और पूरी सेना की सेना स्टैब्लिश कर ली भारत में और संधि के माध्यम से, ठीक। अगला, अगर इसका ब्रिटिश को लाभ देखेंगे तो अगला लाभ है कि फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था, वह समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों का अपना प्रभाव जो भारतीय राज्यों पे था, वह धीरे धीरे इस संधि के चलते भारत से खत्म होता जा रहा है और अंग्रेज जो हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो भारत की एक मुख्य शक्ति बनते जा रहे हैं और मुख्य शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि लाभ की बात करें तो जब हम राज्यों को जीत रहे हैं और विभिन्न राज्यों पर कब्जा कर रहे हैं और हमारा प्रमुख उद्देश्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापार है, तो हमारे उद्देश्य के अनुसार हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस एक देश में व्यापार के लिए आए थे और व्यापार आज भी हमारा प्रमुख उद्देश्य है। अब हम राज्यों पर कब्जा कर रहे हैं तो ब्रिटिश वस्तुओं और व्यापार हेतु एक बड़े बाजार की प्राप्ति हो रही है। समझ पा रहे हैं? अभी ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, यहां से रॉ मटेरियल ले जाएंगे ब्रिटेन में प्रिपेयर करके और भारतीय बाजार में ही लाके उसको दोबारा बेच देंगे। यहां से हस्तशिल्प की वस्तुएं सस्ते दामों में परचेस करके ब्रिटेन में उन्हें महंगे दामों पर बेच करके लाभ कमाएंगे, देखेंगे हम आर्थिक नीतियों में। तो यहां पर दिखाई ये दे रहा है कि जो ब्रिटिश वस्तुओं को, एक तो व्यापार का बहुत बड़ा क्षेत्र फ्रांसीसियों के प्रभाव की समाप्ति हो रही, क्योंकि फ्रांसीसी ही ब्रिटिश को चुनौती दे सकते थे। पुर्तगाली सिमट जाएंगे गोवा तक तो वो ब्रिटिशर्स को चुनौती प्रस्तुत नहीं करेंगे और फिर ब्रिटिशर्स पूरे हिंदुस्तान पे कठपुतली राजा बैठा बैठा के अपना तंत्र को चलाएंगे, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति ब्रिटिशर्स को करनी होगी। ये ध्यान रखना है, राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे इन्होंने और जो भी राजा इनके खिलाफ खड़ा हुआ है उसको इन्होंने पराजित करके उससे संधियां भी की। ऐसी एक दशा में आप यहां देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल सिनेरियो में सहायक संधि भारत के लिए भयावह और भारतीय राजाओं के लिए डेंजरस साबित हुई, खतरा है ये, ठीक। और फिर भी राजा कर रहे हैं, ठीक। तो जरा सबसे पहले मूल्यांकन में लिखेंगे ब्रिटिश को लाभ, हेडिंग रहेगी सहायक संधि का मूल्यांकन और मूल्यांकन में पहली हेडिंग रहेगी ब्रिटिश को लाभ, मेन हेडिंग रहेगी सहायक संधि का मूल्यांकन और सब हेडिंग रहेगी ब्रिटिश को लाभ। इस एक संधि से ब्रिटिश को लाभ, बिल्कुल जो पॉइंट समझे हैं वही पॉइंट एकदम एक्यूरेट उसी वे ऑर्डर ऑफ वे में लिखेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे देसी राज्यों को इस संधि के, देसी राज्यों को इस संधि के माध्यम से, देसी राज्यों को इस संधि के माध्यम से निःशस्त्र कर दिया गया, देसी राज्यों को इस संधि के माध्यम से निःशस्त्र कर दिया गया, अर्थात उन्हें सैन्य शक्ति से कमजोर कर दिया गया, अर्थात उन्हें सैन्य शक्ति से कमजोर कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। अब देसी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे।
अब देसी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे, कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे। अगला बिंदु लिखिए। कंपनी की सेनाएं देसी राज्यों के धन से तैयार हो गई। कंपनी की सेनाएं देसी राज्यों के धन से तैयार हो गई। कंपनी की सेनाएं देसी राज्यों के धन से तैयार हो गई और इस सेना का प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था, भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार में सहायता हुई। अनुनय अनुसमर्थ में अनुसमर्थित, ये सारी चीजें एक ही होती है। अनुसमर्थित का अर्थ यह होता है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि जब साइन की जाती है, उस पर हस्ताक्षर किया जाता है, तो हस्ताक्षर का अर्थ यह होता है कि हम इस संधि के अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद उस संधि को मानने के लिए औपचारिक घोषणा की जाती है हर देश के द्वारा। यदि वो घोषणा की जा रही है तो हम बोलेंगे कि संधि को अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है। यदि वह घोषणा नहीं की जा रही है कि औपचारिक रूप से, ठीक है, फॉर्मली नहीं बोला जा रहा है, तो फिर अनुसमर्थन नहीं प्राप्त हुआ। जिस प्रकार संविधान के मापदंडों पर किसी कानून को बनाया जाए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद गजट में उसको स्थान न दिया जाए, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि वह कानून बन तो गया है लेकिन अभी उसे अनुसमर्थन प्राप्त नहीं हुआ है, वो कानून एक्सपोज होकर जनता के सामने नहीं आया है, अतः सरकार ने अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है। तो भूमि पूजन हो जाता है लेकिन जब प्रोजेक्ट की औपचारिक घोषणा होती है तो उसे अनुसमर्थन बोलते हैं। ठीक है श्रद्धा, ठीक है ना? जिस भी चुटी के बारे में आप बात कर रहे थे, जो सीटीबीटी आप बात कर रहे थे, सीटीबीटी में यूएस ने साइन तो कर दी है लेकिन अभी ऐसे सर नहीं हिलाया कि हम मानते हैं या नहीं मानते। तो सिग्नेचर करना इज जस्ट द टेक ओवर द फाइल्स ऑफ टू कंट्रीज, नथिंग एल्स। सिग्नेचर करने से कोई बाध्य नहीं हो जाता। ठीक, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में पेरिस संधि को आपने पढ़ा होगा जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। यूएस ने पहले हस्ताक्षर कर दिया कि ठीक है हम इसको मानते हैं, और जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज होते हैं ट्रंप कहते हैं हम इसे नहीं मानते, अनुसमर्थन वापस ले लिया। अब कुछ जबरदस्ती थोड़ी ना अंतरराष्ट्रीय संधि में, अनुसमर्थन नहीं है तो संधि का कोई भी उपयोग नहीं होता। ठीक है ना, साम्राज्यवादी प्रसार में सहायता हुई। अगला बिंदु लिखिएगा। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से समाप्त हो गया। अगला बिंदु लिखिए। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार प्राप्त हुआ। एक बड़ा बाजार प्राप्त हुआ। अब आइए चलते हैं हानियों पे। एक बात बताइए कि यदि आपकी जगह परीक्षा देने मुझे जाना हो और मैं ये कहूं कि सब लोग ठीक है ऐसे हो, उसके बाद परीक्षा मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, तो ऐसी दशा में आप मेहनत करना बंद कर देंगे। ठीक है सर, तो दे ही रहे तो क्या दिक्कत है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। यही कुछ कुछ भारतीय राजाओं के साथ हुआ जब ब्रिटिश सेना उनके यहां सुरक्षा करने लगी और ब्रिटिशर्स का एक हस्तक्षेप उनके शासन में होने लगा,
तो जो प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की अपनी भावना एक राजा में होनी चाहिए, उस भावना का धीरे धीरे ह्रास होता गया, वह भावना समाप्त हो गई राजाओं में से। क्योंकि प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने आंतरिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है नीतियों में, क्योंकि विदेशों के साथ किसी भी संधि को नहीं किया जा सकता, एक ब्रिटिश प्रतिनिधि आपके दरबार में बैठा हुआ है। ऐसी एक दशा में आप बिल्कुल भी अपने शासन के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखेंगे। ऐसी दशा में जो राजा होने लगे वो भोग और विलासिता में व्यस्त रहने लगे और राजकाज की उनको अब कोई फिक्र नहीं थी। इन शॉर्ट, भारत के जो राजा थे उन्होंने प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व छोड़कर प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दिया और राज्यों की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। प्रजा के विद्रोह के भय से राजा जो थोड़ा बहुत उत्तरदायित्व की भावना भी रखते थे वह भय भी अब समाप्त होने लगा और जितने ये राजा ये भोग और विलासिता और आलस्य में जाते गए और राजा ही जब आलसी हो जाएगा किसी राज्य का तो राज्य थोड़ी ना बचेगा। ऐसे में ब्रिटिशर्स को भारत में एक लूटपाट करने के लिए उचित और उपयोगी ठीक आधारशिला बनकर मिल गए। दूसरी चीज कि ये राजा जो थे ये हस्तशिल्प या जो छोटे उद्यम थे उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, उनका संरक्षण करते थे। जब ये राजा कमजोर होने लगे तो हस्तशिल्प को मिलने वाला संरक्षण भी समाप्त हो गया, जो हमारे छोटे बिजनेसेस थे उनको मिलने वाला संरक्षण भी समाप्त हो गया। ऐसी एक दशा में जब वह संरक्षण समाप्त हो गया तो धीरे धीरे उद्योगों के पतन की जो प्रक्रिया थी वो तीव्र हो गई, क्योंकि सहायक संधि से बंधे होने के कारण अब वो हस्तशिल्प और छोटे उद्यमियों को संरक्षण नहीं दे पा रहे और सहायक संधि से जो सुरक्षा उन्हें मिली थी राज्यों को, उस सुरक्षा की भी कोई गारंटी ब्रिटिशर्स ने इन राज्यों को नहीं दी कि हम आपको सुरक्षित ही रखेंगे। और सहायक संधि के नाम पर जो सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी थी तो ना ही ब्रिटिश साम्राज्य से उन्हें स्वतंत्रता मिली और ना ही सुरक्षा मिली। अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखकर सुरक्षा के लिए किया गया यह कार्य ठीक कुछ कुछ इस प्रकार का हो गया कि माया मिली न राम। स्वाति जी गुड मॉर्निंग। ऐसी एक दशा में इसकी अगर हानियां देख रहे हैं तो भारत के राज्यों के लिए सहायक संधि प्रणाली की अपनी हानियां भी बहुत ज्यादा ठीक। और इसी संधि से फिर फर्दर अंग्रेजों को विस्तार करने में भारत में आसानी। तो हानि में पहला बिंदु लिखेंगे, संधि करने वाले देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए। संधि करने वाले देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए। अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से, वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक शासक जो कुछ उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होने से, उस विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया, ऐसे में शासक सुरक्षा की गारंटी, प्राप्त होने के कारण विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में शासक आलसी और
विलासी हुए। अब अगला हानि, भारतीय राज्यों को इससे क्या हानि हुई? अच्छा, हानि में दूसरा बिंदु लिखिएगा, ये सुबह के टाइम में हो सकता है कुछ माइंड बॉगल मेरा भी हो जाए, तो इसको अनदर में मत लीजिएगा। मैं आधी नींद की स्थिति में रहता हूं आपके पास आने के पहले, ठीक। और उसका कारण ये है कि सर्दियां चल रही, और सर्दियों में सुबह 5:30 बजे उठा जाता नहीं है, फिर भी मुझे उठ के आना पड़ता है, ठीक। और ये आपका प्रेम और आपके प्रति जो लगाव है वो खींच लाता है, ठीक। और उसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं जल्दी सिलेक्ट होकर आप लोग निकल जाएं, ताकि समय की बर्बादी ना हो और आपका जीवन ठीक से रन करे, ठीक। समय बिल्कुल ज्यादा नहीं देना है, ठीक। तो जितना मुझसे हो पाएगा, मैं अपनी तरफ से इतना कमिट कर रहा हूं कि मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो पाएगी मैं कर रहा हूं आपके लिए, और करता रहा हूं और करता रहूंगा, ठीक। अब आप ये प्रॉमिस कर लीजिए कि पढ़ाई के मामले में, रिपीटेड रिवीजन के मामले में आप पीछे नहीं रखेंगे खुद को, ये काम आपका रहेगा, ठीक है, है ना। और आप सभी का सिलेक्शन मुझे चाहिए, ठीक। एक भी व्यक्ति आप में से ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि मतलब सर हुआ नहीं, एक नंबर से रह गया, ऐसा सुनना ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके की बातें सुनने में मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, मेरी तरफ से पूरी मेहनत हो रही है, ठीक। और मैं आपकी तरफ से भी पूरी मेहनत की आकांक्षा और उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। और हम हब में बैठे इस समय, ठीक। 29 को 2 तक मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं इसको सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और सिविल सर्विसेज का हब कहा जाता है। ऐसी दशा में अगर यहाँ से पढ़ने के बाद हम उन्नत प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये कुछ क्षेत्रीय संस्थान उग गए हैं अब, ठीक है ना, जिन पे ना टीचर है ना सुविधा है, उनको हमें चैलेंज करना है यहाँ से, ठीक। क्योंकि क्रेडिबिलिटी भी है, एटीट्यूड भी है, पर्सनैलिटी भी आप लोगों की बढ़िया है, किसी चीज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, किताब विताब सब है आपके पास, ठीक। बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देना है, ठीक, कहीं कोई दो राय नहीं है, और पेपर निकालना है, ठीक। और इसमें एक मेरा सजेशन रहेगा, आप एस्पिरेंट हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरी तैयारी में यह चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि एस्पिरेंट से पेपर निकाल के यदि कोई शिक्षक बन जाता है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती है, इसलिए वो आपको हमेशा सही चीज बताएगा। जब भी व्यक्ति आपका कंपटीटर होगा तो वो कभी आपको सही चीज नहीं बताएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार हर परीक्षा, नीट की हो, जेई की हो, यूपीएससी सीएससी की हो, पीसीएस की हो, हर परीक्षा में ऐसा होता है कि कई लोगों के पेपर किस्मत से निकलते हैं, हर परीक्षा में ऐसा होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ठीक। इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जो इस बात को नकार सकता है, क्योंकि कभी कभी मैं 100% चांस की बात नहीं करूं, ये 1-2% के चांस की बात करूं कि पेपर किस्मत से निकल गया, ठीक। उसके बाद सार्वजनिक मंच पर आके हर व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जो रिटायर्ड लोग हैं, दैट इज अनदर थिंग, आप मोटिवेशन लीजिए, तरीके पूछिए, दैट इज अनदर थिंग। पढ़ने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, अपने तरीके पर भरोसा करिएगा, अपने तरीके पर भरोसा करिएगा। फिर कह रहा हूं, रात में पढ़ना चाहते हैं रात में पढ़िए, दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़िए, रिवीजन जैसे करना है वैसे करिए, ठीक। परंतु कोई आके कह दे, ठीक है, कि वो बने हैं, वो अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी टैक्टिक्स से बने हैं, आपकी अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रेटजी और अपनी टैक्टिक्स होगी, वो आपको खुद बनानी। कोई टीचर, कोई सिविल सर्वेंट आपकी स्ट्रेटजी नहीं बना सकता, वो आप खुद बनाते हो। यहां से हमारा काम है आपको गाइड करना, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ठीक। गाइड करके यदि हम आपको सही दिशा में चलाएंगे तो उस सफर में जो आप अपने तरीके बनाएंगे, ठीक, कोई साइकिल पे पैडल पर पैर रख के उसके बाद चढ़ता है, कोई चढ़ने के बाद पैडल मारता है, कोई कैंची साइकिल चलाता है, साइकिल तो सारे चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, मतलब जो कैंची, वो जो डंडा पकड़ के साइकिल व्यक्ति चला रहा है वो चला नहीं पा रहा।
और जो पैडल पे पहले पैर रखे दे रहा है वो भी साइकिल नहीं चला पा रहा है, और जो पहले बैठ जा रहा है वो चला तीनों पा रहे हैं, सफल तीनों हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैडल पर पैर रख के चढ़ने वाला साइकिल चालक अच्छा है या पहले से साइकिल पर बैठ जाने वाला साइकिल चालक अच्छा है, तीनों ही समान है, क्योंकि अल्टीमेट एम अल्टीमेट लक्ष्य साइकिल चलनी चाहिए, दैट्स इट, खत्म। इसलिए मैं भ्रम की स्थितियां जो आप में पैदा होंगी उसकी बात पहले ही बता देता हूं, ठीक। इसलिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, कोई क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, वो फला एस्पिरेंट और सिविल सर्वेंट ने क्या कह दिया, वो 6 घंटे पढ़ते थे, ठीक। बात मान लीजिए कि 10 से 12 घंटे सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ते, ठीक, और ना ही पढ़ सकते हैं। आप 6 से 8 घंटे पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। जीवन जीते हुए पढ़िएगा, पढ़ते हुए जीवन मत जीने लगिएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक। जीवन है, जीवन की तरह चलेगा। सामान्य पढ़िए, बिना फ्रस्ट्रेशन के मस्त रहिए। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई में, 4 से 6 घंटे की पढ़ाई में, अगर आप 4 से 6 घंटे पढ़ते हो तो आपका एवरेज जो आएगा महीने का वो 180 घंटे का आएगा, अगर रोज पढ़ते हैं आप तो। अगर किसी एक दिन क्लास छूट जाती है, नहीं पढ़ा, तो अगले दिन आपको 8 घंटे पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन रोज पढ़ना शर्त यही है, ठीक। इन बातों पर ध्यान रखिएगा, पेपर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति मत पैदा करिएगा, आपके अपने तरीके होंगे। जब आपका सिलेक्शन आपके तरीके से हो जाएगा तो आप भी कहिएगा कि मैं छत से उल्टा लटक कर पढ़ता था, सीधी बात मान लेंगे लोग ऐसे ही होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है, वही एक तरीका, वही चीजें। इसलिए अपने दिमाग से, अपने पूर्ण मस्तिष्क, पूरे मनोवेग का इस्तेमाल करके जो आपको ठीक लगता है वही ठीक होगा, ध्यान रखिएगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट से बस समझौता नहीं करना है, बाकी सब ठीक है, सब चंगा सी, कोई कहीं समस्या नहीं, और बस पढ़ते जाइएगा और देखिए आप सिलेक्ट होके निकलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ठीक। मेहनत करने में कमी आएगी तो मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने को तैयार हूं, ठीक है ना। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग आते हैं सुबह, ठीक, और उसका कारण यह है कि अगर नहीं आएंगे, ठीक, तो मेरी मेहनत खराब होगी, तो मेरा मन भी नहीं करेगा, तो आपको देखकर मुझे एनर्जी आती है, ठीक, आप मेरे ऊर्जा स्रोत हैं, इस बात को बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हानि में हमने ये कहा कि शासक आलसी और विलासी हो गए। दूसरे कारण में मैंने आपको यह बताया था कि चूंकि ये राजा हस्तशिल्प को भी संरक्षण दे रहे थे, तो हस्तशिल्प को मिलने वाला संरक्षण इन राजाओं के सहायक संधि में जाने के बाद समाप्त हो गया। ऐसी एक दशा में जब वो हस्तशिल्प का संरक्षण समाप्त होगा तो जो अंग्रेज हैं वो उस व्यापार पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे और उद्योगों का धीरे धीरे भारत में पतन हो जाएगा, और जो स्मॉल इकोनॉमी हमारे देश की थी वो धीरे धीरे अंग्रेज समाप्त कर देंगे, ठीक। तो इसमें लिखिएगा, देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई, क्योंकि भारतीय शासक हस्तशिल्पों के संरक्षक एवं खरीदार थे, क्योंकि अब सहायक संधि से बंधने के कारण वे संरक्षण देने में असमर्थ हुए। अगला बिंदु लिखिएगा, इस तरह सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए, इस तरह सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी
अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी, तनुजा कौन सा एग्जाम है, अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी और अंत में, और अंत में सुरक्षा भी नहीं मिली, और अंत में सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई, टाटा बाय बाय गया खत्म, ठीक, सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई, फलतः ब्रिटिश राज्य के विस्तार में आसानी हुई, फलतः ब्रिटिश राज्य के, अच्छा ठीक है बेटा, ब्रिटिश राज्य के विस्तार में आसानी हुई, ठीक। अब यह तो हमने सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेले जली द्वारा अपनाई गई एक तकनीक थी, ठीक, उसको देखा। अब हम डलहौजी की नीतियों, सर मैं भी 2-16 क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेरे एग्जाम, ठीक है एग्जाम दीजिए बढ़िया से, और किसी के एग्जाम है, शादी वालों के तो होंगे नहीं जिनकी शादियां हो गई हैं, ठीक है ना, आप लोग पढ़ते रहिए इसे तेजी में, ठीक, और एग्जाम वाले चुपचाप रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे, 1-1.5 घंटे की बात है, ठीक है, छोड़िएगा मत कहीं से भी, समझ गए, हाँ बड़ी मजा आ रही है, ठीक, कहीं से भी नहीं छोड़ना है, 1-1.5 घंटे की बात है, रिकॉर्डिंग देखिए और उसको उसी समय नोट करके खत्म करिए, ठीक, हाँ लाइव नहीं हो पाएगी कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग देखकर उसको उसी समय देखकर खत्म करिएगा, है ना, उसको बचाना नहीं है कि छोड़कर उसको रखे हुए हैं बाद में, बाद के लिए, ठीक। अब जरा चलते हैं डलहौजी की नीतियों पर, विस्तारवादी नीति, भारत में अपने शासन को विस्तार करना, ठीक, एक तो युद्ध द्वारा विस्तार करेंगे, ठीक, जिसमें इन्होंने पंजाब जिक्र किया था हम लोगों ने, ठीक, 1849 में, और दक्षिणी बर्मा जिसको रंगून के नाम से भी जानते हैं, गाना आया था मेरे पिया गए रंगून, वही म्यांमार की बात होती है, कोई भी रंगून जाना नहीं चाहेगा इस समय, खैर ठीक। और दूसरा है शांति द्वारा कब्जा कर रहे हैं, तो शांति द्वारा जिन राज्यों पे कब्जा कर रहे हैं उसके दो तरीके हैं, पहला कुशासन का आरोप, याद आया कुछ, कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया था, ठीक, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था 1856 में, और दूसरी थी हड़प नीति, जानेंगे हड़प नीति क्या थी, ठीक, हड़प नीति के द्वारा 1848 संभलपुर 1849 बघाट 1850 उदयपुर 1852 दो बच गए झांसी और नागपुर, इसको ऊपर लिख देता हूं, झांसी और नागपुर क्रमशः 1853 1854, ठीक। तो यह तो इनकी विस्तारवादी नीति थी, कार्य हम आगे देखेंगे, पहले इतना नोट कर लें, ठीक। तो विस्तारवादी नीतियों में यदि डलहौजी की देखेंगे तो आप देखेंगे युद्ध द्वारा पंजाब को मिला रहा है 1849 में, ठीक, भाई अनपढ़ नहीं है हम, कॉलेज तो पूरा हो गया सर, एमकॉम बीएड भी किया हुआ है, ये लोग पढ़ चुके, अगर तुम लोग हंस रहे हो, वो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तभी शादी वादी हो रखी है उनकी, ठीक, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो छोटे हो, तुम लोग हंसने लगते हो, तो कोई बात नहीं, चलो
है ना, यही जीवन के मजे हैं। एक की परिस्थिति दूसरा हंसता है ना। ठीक, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल भोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ठीक, किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए, लोग हंसते हैं। है ना, और शादी के लड्डू तो ऐसा लड्डू, जो खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। ठीक, और मेरे से अच्छा इस बात को कौन समझ सकता है। ठीक, तो विस्तारवादी नीतियों में, चलो खैर, युद्ध द्वारा आप देख रहे हैं पंजाब को मिलाया गया 1849 में, इसके इसकी हमने चर्चा भी की, और फिर दक्षिणी बर्मा को 1852 में मिलाया जा रहा है युद्ध द्वारा। ठीक, शांति द्वारा आप देखेंगे तो कुशासन के आरोप में अवध को, ठीक, 1856 में हम मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं शांति द्वारा, वो रिपोर्ट के माध्यम से ध्यान करिए। ठीक, और हड़प नीति, व्यपगत की नीति के द्वारा सतारा, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को शामिल कर रहे हैं। तो विस्तारवादी नीति है भारत में अपने शासन का विस्तार करने के लिए डलहौजी की नीतियां। डलहौजी ने सिर्फ शासन का विस्तार नहीं किया, कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए हैं, अभी उनको भी दूसरी तरफ देखें। ठीक, तो इसको नोट कर लिया हो तो अब हम जरा इसके प्रशासन कार्यों पे चलते कि डलहौजी ने क्या क्या कार्य किए भारत में जो बहुत ही आवश्यक थे। तो इसके कार्य आपको प्रशासनिक क्षेत्र में दिख जाएंगे, संचार के क्षेत्र में दिख जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में दिख जाएंगे और परिवहन के क्षेत्र में दिख जाएंगे। इन चार जगहों पे आपको डलहौजी के कार्य भारत के अंदर उस एक औपनिवेशिक नीति के तहत दिखाई देंगे। और डलहौजी का जो काल है वह 1848 से 56 तक का वह समय जब डलहौजी भारत में, और यह चरण ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शीर्ष चरण है। यह चरण वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शीर्ष चरण है, और यहां पर अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखेंगे तो यह मुक्त व्यापार की नीति का शीर्ष चरण है। समझ पा रहे हैं शीर्ष को? तो एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शीर्ष चरण है, दूसरा मुक्त व्यापार की नीति का शीर्ष चरण है। तो अगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति का काम करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि युद्ध एवं शांति द्वारा बहुत तेजी से भारत में साम्राज्यवादी विस्तार किया जा रहा है, बहुत तेजी से भारत में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा है। ठीक, अगर मुक्त व्यापार की नीति के चरण पर आते हैं तो यहां 1813 से जो ब्रिटिशर्स हैं ठीक, तो ब्रिटिश सरकार 1813 से भारत में मुक्त व्यापार की नीति को अपना रही है, और इस मुक्त व्यापार की नीति के कारण कहां लिखूं, इधर इधर लिख देता हूं। ठीक, भारतीय बाजार को प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल देंगे। ठीक, जिससे इंग्लैंड मेरा की, 4 थोड़ा ठीक से बना है, इसमें कंफ्यूजन होता है 4 और 9 में। कहां गया फोर? एक ही जगह तो बनाया है यार, ऊपर ये देखो। जहां पे भी होता है ना मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है ये 4 है कि 9।
अच्छा मैं बोल दिया करूं, ठीक, जिससे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। ठीक, तो यहां पर देख पाएंगे कि जो कार्य है और जो डलहौजी का काल है 1848 से 56 का वह काल, और बस डलहौजी जाते 1857 की क्रांति होगी, एक साल पहले तक रहा, ठीक है। अब ऐसी दशा में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शीर्ष चरण तो युद्ध और शांति द्वारा पूरा हो रहा है, और मुक्त व्यापार की नीति का जो चरण है जिसको अभी पढ़ेंगे डलहौजी के बाद, वो 1813 से आप देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार मुक्त व्यापार की नीति को अपना रही है, जिसके तहत भारतीय बाजार प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोला जा रहा है, हर ब्रिटिश आके यहां पर व्यापार कर सकता। और ये वही समय है जब ब्रिटेन में अपनी औद्योगिक क्रांति चरम पर है। वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़कर देखिएगा, इस समय ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के मामले में विश्व इतिहास के स्तर पर शीर्ष चरण पर वहां भी है। तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां पर प्राथमिक चरण के द्वारा इन चीजों की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। याद करिए जरा, वह फॉरेस्ट्री, वह माइनिंग, वह एग्रीकल्चर, वह फिशरी, और ऐसी एक स्थिति में जब उस एक प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जरूरतें पूरी करनी है तो अपने औपनिवेशिक स्थान से रॉ मटेरियल उठाकर वहां पर ले जाएंगे ब्रिटेन में, और वहां पर तैयार करेंगे वस्तुओं को, यानी द्वितीयक क्षेत्र के माध्यम से ब्रिटेन की अपनी औद्योगिक जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाना, और वहां पर जो प्रोडक्ट तैयार हुए हैं उसके बिक्री के लिए भी एक बड़ा बाजार चाहिए, और वो बाजार बनेगा भारतीय बाजार। तो ऐसी एक दशा में क्या हो जाएगा, धन की निकासी होने लगे। अब पढ़ेंगे आगे, तो आगे ही पढ़ेंगे, जहां पे आएगा वहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम सुनेंगे। पैसा हमारा जा रहा है, रॉ मटेरियल किसके यहां ग्रो हो रहा है, भारत में ग्रो हो रहा है, भारत में उग रहा है, भारत की मेहनत से उसको उपजाया जा रहा है, और लेकर कौन चला जा रहा है, ये अंग्रेज। वास्तविकता में यदि देखें तो ब्रिटिशर्स ने जितना भारत का नुकसान किया उतना मुगल्स वगैरह कर नहीं पाए। अपार्ट फ्रॉम अगर एक चीज छोड़ दी जाए, जो पंथ की भावनाएं उनको छोड़ दिया जाए, मंदिर वंदिर जो उन्होंने तोड़े हैं, और बहुत मंदिर तोड़े एक आधा ने, लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया, उसको अगर छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ब्रिटिशर्स ने ज्यादा नुकसान किया, और इन्होंने तो लगभग हर पंथ का नुकसान किया, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स इन्हें आती थी तो इन्होंने इस तरह के ट्रांसलेशन मौजूद किए हैं ग्रंथों के और हर चीज के, चाहे वह कुरान हो चाहे वह गीता हो, हर तरीके से इन्होंने प्रयास किया, और हम हर चीज पढ़ेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि कितने बुद्धिमान थे ये। क्यों नहीं, मैकाले कह रहा है, अभी कहेगा इसी में मॉडर्न हिस्ट्री में आगे, कि मेरे लिए ब्रिटेन की जो एक लाइब्रेरी है उसका जो एक कोना है वह संपूर्ण अरबी और हिंदी साहित्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सोच देखिए उसकी कितनी साम्राज्यवादी सोच है, वह हमको वैल्यूएशन नहीं देता, हमारे इस पूरे तंत्र, इस कल्चर को वैल्यूएशन नहीं देता। और विडंबना है कि मैकाले के जाने के इतने साल बाद भी हमने अपनी शिक्षा नीति नहीं बदल पाई, यह हमारी हार है उस व्यक्ति के आगे। और ये लॉर्ड क्यों लगाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। हमारे देश में हम गॉड तो बोलते हैं और लॉर्ड भी बोलते हैं, तो इन्होंने लॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लेके आए थे ब्रिटिशर्स, कि लॉर्ड लगाएंगे तो भगवान का दर्जा प्राप्त करना चाहते थे हमारे देश में, क्योंकि लॉर्ड और इनके यहां नहीं होते हैं, लॉर्ड इनके यहां गॉड है, सुप्रीमेसी है, ठीक। ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स करते थे। और साम्राज्यवाद पर चलते हुए औपनिवेशिक शासन की स्थापना भारत में कर रहे हैं, ये वही डलहौजी है जिसकी नीति है कि संपूर्ण भारत पर हमको क्या करना है, कब्जा करना है। ऐसी एक दशा में जिसकी विस्तारवादी नीति है वो भारत में बहुत तेजी से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करेगी, ठीक। ये नोट कर लिया ना, इसको बढ़े आगे। चलो अब सबसे पहले
हेडिंग डालिएगा डलहौजी की नीति, और बात करेंगे विस्तारवादी नीति की। डलहौजी की नीति, और डलहौजी की नीति में विस्तारवादी नीति की चर्चा सबसे पहले। और इसमें लिखिएगा विस्तारवादी नीति में, डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का काल था। वस्तुतः 1813 के पश्चात, 1813, वस्तुतः 1813 के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में प्रत्यक्ष रूप से, वस्तुतः 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में प्रत्यक्ष रूप से भारत में प्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ब्रिटिश राज्य का अंग बनाने की रही, और इसका कारण यह था कि ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति से एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। पूर्ण विराम। ब्रिटिश सरकार ने 1813 से जहां आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में विलय एवं विस्तार की नीति अपनाई। अगला बिंदु लिखिएगा, डलहौजी ने ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति के क्रम में युद्ध के माध्यम से पंजाब को मिलाया, तो शांतिपूर्ण तरीके से कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया। तथा हड़प नीति के माध्यम से
विभिन्न भारतीय राज्यों को मिलाया मिलाया इस तरह डलहौजी की भारतीय राज्यों के विलय एवं समामेलन की नीति विलय एवं समामेलन की नीति युद्ध एवं शांति पर आधारित थी। युद्ध एवं शांति पर आधारित थी। युद्ध एवं शांति पर आधारित थी। अगला, डलहौजी की हड़प नीति, या इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति, एक ही बात, डलहौजी की हड़प नीति अथवा गोद निषेध नीति। ठीक है, इसमें ये क्या करते थे अंग्रेज, गोद लिया हुआ जो पुत्र थे उसको शासक की उपाधि नहीं देते थे, ना ही उसको शासक मानते थे। ये मानते थे ये जो तंत्र है ये खाली है, हम आपके गोद लिए हुए बच्चे को ठीक किसी भी प्रकार से शासक नहीं मानेंगे, ना ही तख्त का उत्तरा, आपका अपना बच्चा है तो ठीक है। तो इसको हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा कहते थे। ठीक, पैतृक वारिस कभी कभी नहीं होता है कई लोगों का। ठीक, ऐसी दशा में भारतीय राजा क्या करते थे कि गोद लेकर किसी एक व्यक्ति को उस सिंहासन का हकदार बना देते, अधिकारी बना देते थे। डलहौजी ने कहा कि हम ये जो पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में आप गोद ले रहे हैं, इसको हम सर्टिफाई नहीं करेंगे, और यदि आपके पास कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं है जो आपका अपना हो तो फिर हम आपके राज्य पर बलपूर्वक कब्जा कर लेंगे। ठीक है, हम आपके राज्य को नहीं छोड़ेंगे। ये नीति हड़प नीति या गोद निषेध नीति के नाम से जानी जाती है। गोद निषेध यानी गोद लिए हुए बालक को हम जो शासक है नहीं मानेंगे। ठीक, इसे पहला बिंदु लिखिएगा, पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में, पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में, पैतृक ऐसे लिखा जाए, पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा, सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने, अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है, हड़प नीति कहलाती है, जिसका निर्माण डलहौजी ने किया था, जिसका निर्माण डलहौजी ने किया था, डलहौजी ने किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, डलहौजी ने घोषित किया कि हमारी नीति, डलहौजी ने घोषित किया कि हमारी नीति देसी रियासतों को मिलाने की थी, देसी रियासतों को मिलाने की थी। वस्तुतः लंदन स्थित कंपनी के वस्तुतः लंदन स्थित कंपनी के संचालक मंडल ने वस्तुतः लंदन स्थित कंपनी के संचालक मंडल ने यह नीति बनाई कि नए करों और नए क्षेत्रों की प्राप्ति का कोई अवसर, यह नीति बनाई कि नए करों और नए क्षेत्रों की प्राप्ति का कोई अवसर, नए करों और नए क्षेत्रों की प्राप्ति का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, कॉमा,
डलहौजी ने इसी नीति का पालन करते हुए भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र में तेजी से परिवर्तन किया अगला बिंदु लिखें। कंपनी ने दावा किया था कि जिस तरह मुगल सम्राट सर्वोच्च अधिकार रखता था उसी प्रकार उसी प्रकार अंजलि जी गुड मॉर्निंग उसी प्रकार कंपनी भी रखती है जैसे मुगल अधिकार सम्राट रखता था वही सेम अधिकार कंपनी भी रखती है, ऐसा कंपनी का कहना था, क्योंकि इस समय तक मुगल सत्ता भारत से समाप्त हो चुकी थी। ठीक, इस आधार पर कंपनी ने विभिन्न राज्यों को मिलाने की नीति पर कार्य किया एवं गोद निषेध नीति के माध्यम से तेजी से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बनाया। ठीक, अब देखो इसके परिणाम क्या हुए। वास्तविकता में यदि देखा जाए तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि लंदन में जो कंपनी का संचालक मंडल है वह यह चाह रहा है कि जो अधिकार मुगल सम्राट रखता था वही अधिकार अब कौन रखता है, कंपनी रखती है अब वही अधिकार। तो कंपनी का यह कहना है कि जो अधिकार मुगल सम्राट रखता था वही अधिकार कंपनी रखती है, इसलिए कंपनी को भी आपको वही तरजीह देनी जो आप मुगल सम्राट को दिया करते थे उस समय। ऐसी एक दशा में कंपनी ने यह कहा कि बहुत तेजी से हमें नए करों और नए प्रदेशों की प्राप्ति करनी, अर्थात विलय और विस्तार की नीति पर ध्यान देना। अब ये जो विलय और विस्तार की नीति है इसको डलहौजी आगे बढ़ाते हैं और बहुत तेजी से ये व्यक्ति ठीक गोद निषेध प्रथा के माध्यम से राज्यों को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बनाना शुरू करता है। और ऐसा कर किया क्यों जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में इस समय ब्रिटेन के स्तर पर अपनी वह औद्योगिक क्रांति चल रही है और इस औद्योगिक क्रांति के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी आपूर्ति, अर्थात जो कच्चा माल है उसकी आपूर्ति भारत से की जानी है और नए करों की प्राप्ति भी करनी है। और दूसरा जो टास्क है, दूसरा जो हमारा कार्य है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं यहां ब्रिटिशर्स, वह है कि इस रॉ मटेरियल कच्चे माल से जो उत्पादित आपके उत्पाद हैं उनको फिर लाकर हमें भारतीय बाजार में देना है। ऐसी एक दशा में यहां आप देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति में एक तो कच्चे माल की आवश्यकता, दूसरा उत्पादित
उत्पाद को यहां बेचना है, वह समस्या। तो परिणामतः इसको बहुत तेजी से विलय और विस्तार की नीति के तहत भारत के मानचित्र में परिवर्तन हुआ जो युद्ध से संभव नहीं था। परंतु इस तेजी से परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं जो भारतीय राज्य थे वे असंतुष्ट भी हुए नीतियों के कारण, और यह हमें 1857 के स्वाधीनता संग्राम में दिखाई देता है। वह असंतोष दिखाई देता है भारतीय राज्यों के अंदर, जो डलहौजी की अपनी नीतियों के कारण भारतीय राज्यों में आ गया, जो लॉर्ड वेलेजली की अपनी नीतियों के कारण भारतीय राज्यों में आ गया, और वेलेजली और डलहौजी की इन नीतियों में जो कमियां थी उससे जो भारतीय राज्यों में असंतोष धीमे धीमे पनपा कई सालों में, उसकी परिणति जाके 1857 की क्रांति के रूप में आपके सामने आएगी। क्रांति असफल हो जाएगी फिर भी उसको क्रांति माना जाता है, और यही सब नीति है। तो कुल मिला के यहां अपनी औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंदन में बैठा कंपनी संचालक मंडल भी ये कह रहा है, और भारत में स्थित उसके अपने गवर्नर जनरल डलहौजी विलय और विस्तार की नीति के तहत यह व्यक्ति बहुत तेजी से भारत के मानचित्र में परिवर्तन करता है। और इसका एक ही कारण है कि नए कर और नए प्रदेशों की प्राप्ति ही हमारा मूलभूत उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। व्यापार और शासन, पहले वो राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे लेकिन यहां व्यापार और शासन पर ही फोकस रहेगा। ठीक, तो इसको लिखिएगा परिणाम में सबसे पहला एक नंबर, इसका परिणाम जो नीतियां थी उसका परिणाम देख रहे हैं परिणाम। ठीक, तो पहला बिंदु लिखिएगा डलहौजी की विस्तारवादी नीति, डलहौजी की विस्तारवादी नीति का परिणाम यह हुआ, डलहौजी की विस्तारवादी नीति का परिणाम यह हुआ कि एक विशाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। एक विशाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ, फलतः उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़ा बाजार प्राप्त हुआ कौमा इस तरह डलहौजी ने विधि सम्मत तरीके से राज्यों के विलय की नीति पर कार्य किया। उसने ब्रिटिश भारत के मानचित्र को बहुत तेजी से परिवर्तित किया। जो किसी युद्ध से संभव नहीं था। दूसरा बिंदु लिखिएगा, डलहौजी की विलय और विस्तार की नीति ने भारतीय राज्यों में असंतोष पैदा किया। असंतोष पैदा किया कौमा अपने अधिकारों से वंचित किए जाने पर शासकों ने विद्रोह भी किया। और इसे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में समझा जा सकता है।
और इसी विद्रोह के उपरांत कंपनी कंपनी के शासन की और इसी विद्रोह के उपरांत कंपनी के शासन की भारत में समाप्ति हुई। भारत में समाप्ति भारत में समाप्ति हुई। अब जरा देखें डलहौजी ने क्या क्या कार्य किए थे। तो यदि डलहौजी के कार्यों की बात करें तो सबसे पहले भारत का जो राजनीतिक एकाकरण है ब्रिटिश भारत का, उसमें इसने अपनी अहम भूमिका निभाई और ये भूमिका बड़ी अहम है। और इससे भी बड़ी भूमिका ये कि 1855 में डलहौजी का ही काल था जब पहली बार भारतीय सिविल सेवा लंदन में आयोजित हुई थी, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं ठीक। इसके अतिरिक्त 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाई जा रही है भारत में, वह भी डलहौजी का ही काल है। तार विभाग की स्थापना की जा रही, वह भी डलहौजी का ही काल। और ये सारे कार्य, सड़क निर्माण, परिवहन, डाक तार व्यवस्था, ये सभी उसी डलहौजी के काल में हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों के निर्माण की स्थापना या वुड घोषणा पत्र की बात करेंगे, वह भी इसी डलहौजी के काल में आ रहा है। तो डलहौजी के कार्य और उनका परिणाम ब्रिटिश भारत के लिए तो लाभकारी हुए ही, लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो इसी डलहौजी के काल में जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों से हमें एक तंत्र मिलता है। और आज आप जानते हैं सिविल सेवा कितना महत्वपूर्ण तंत्र इस देश के अंदर। हाँ, उन्होंने औपनिवेशिक शासन चलाने के लिए इस एक व्यवस्था का सहारा लिया था, लेकिन आज यह व्यवस्था अपने मूलकारी शोषणकारी स्वरूप को छोड़ चुकी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था को अब रन किया जा रहा है। तो चाहे वो रेल व्यवस्था हो, तार व्यवस्था हो, विश्वविद्यालयों की स्थापना हो अथवा सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा की बात हो, सब इसी डलहौजी के कार्यकाल में होगा। और राजनीतिक एकीकरण ब्रिटिश भारत का, वह भी इसी डलहौजी के कार्यकाल में पूरा होगा। अंततः यह जाएगा 1857 की क्रांति, उसके बाद कंपनी के शासन का अंत हो जाएगा, कंपनी का शासन बचेगा ही, और प्रत्यक्ष रूप से लंदन के क्राउन के अंतर्गत शासन चलाया जाएगा ठीक। तो जरा इसमें पहला बिंदु लिखिएगा, डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पूरा करने के लिए अनेक कार्य किए। उसने विभिन्न भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण करने में भूमिका निभाई है। अगला बिंदु लिखो, उसने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। उसके समय 1854 में वुड घोषणा पत्र ठीक, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में ब्रैकेट बंद आया, जिसे भारतीय शिक्षा का
जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है कॉमा, इसने लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, इसने लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालयों के, इसने लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालयों के निर्माण की बात इसने लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों के निर्माण की बात भी कही। अगला बिंदु लिखिएगा, तीसरा, थर्ड पॉइंट, डलहौजी के काल में संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए। वस्तुतः डलहौजी के काल में ही 1853 में पहली बार रेलवे का परिचालन बॉम्बे से ठाणे के बीच प्रारंभ हुआ कौमा, इसी तरह 1852 में प्रथम बार भारतीय तार विभाग की स्थापना हुई और 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। पूर्ण विराम पैराग्राफ बदल कर लिखिएगा। डलहौजी ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इससे पहले सार्वजनिक निर्माण कार्य सैनिक विभाग के अंतर्गत होता था। इसी क्रम में विभिन्न सड़कों का निर्माण हुआ। अगला बिंदु लिखिए, डलहौजी ने भारत के सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए। बॉम्बे कलकत्ता कराची बंदरगाह पर प्रकाश स्तंभों का बंदरगाह पर
प्रकाश स्तंभों का निर्माण कराया, निर्माण कराया, निर्माण कराया, फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। अगला लिखिए, डलहौजी के काल में भारतीय सिविल सेवा के लिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा 1855 में, 1855 में इंग्लैंड में आरंभ हुई। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है क्योंकि अभी मुझे ट्रैवल करके जाना भी है। कल मिलते हैं, ठीक, आपसे।